समाजवादी पार्टी में जारी घमासान के बीच अब साइन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी से निकाले गए मुलायम सिंह के पुराने भरोसेमंद किरणमय नंदा ने आरोप लगाया है कि 1 जनवरी को जारी 2 पत्रों में मुलायम सिंह यादव के दस्तखत अलग अलग हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने दोनों पत्रों की तस्वीर भी जारी की है। यहाँ एक हस्ताक्षर में मुलायम सिंह यादव पूरा लिखा है और एक में सिर्फ मुलायम सिंह लिखा हुआ है और बनावट में भी थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। नंदा का कहना है कि उनके पास दस्तखत फेक साबित करने के सबूत हैं। उनका आरोप है कि पार्टी को गुमराह करने के लिए कुछ लोगों द्वारा साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को अखिलेश गुट ने लखनऊ में अधिवेशन कर अखिलेश यादव को सपा अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया था और इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए दोनों नेताओं किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया था और कहा था कि सपा के अध्यक्ष अभी मुलायम सिंह ही हैं। अब किरणमय नंदा के इस बयान ने मामले में नया मोड़ ले लिया है। हालांकि कुछ मुलायम के करीबी सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को SP में वापस लेने का निर्णय किसी पेपर पर नहीं लिया गया था। किरणमय नंदा के आरोपों के बीच अब आजम खान का बयान सामने आया है। आजम का कहना है कि यह दस्तखत मुलायम सिंह यादव के ही हैं, ऐसे में यहां पर अब कोई विवाद नहीं बनता। देखते रहिए DB Live।